अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो लवबर्ड्स की नेस्टिंग के ऊपर है कि लवबर्ड्स को किस तरह से नेस्टिंग देनी चाहिए और नेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। इंशाल्लाह सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। नेस्टिंग का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका जो है वो आप लोगों को समझाएंगे, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले काम हमने ये कर लेना है कि सामने आपको दिख रहा है मैंने मटकियाँ भी रखी हुई हैं और बॉक्स भी रखा हुआ है, और ये लवबर्ड्स के लिए मैंने निकाल के रखा है स्पेसिफिक जिन पेयर्स को मैंने लगाना है। तो आप चाहे लवबर्ड्स के लिए अलग कर रहे हो या चाहे आप कोई से भी बर्ड को मटकी लगा रहे हो या चाहे बॉक्स लगा रहे हो, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इनको धूप लगानी है एक दिन, क्योंकि धूप आपको पता है नेचुरल डिसइंफेक्ट है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, जितने भी जरासीम होते हैं वो उससे मर जाते हैं। तो एक दिन हमने धूप लगानी है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि इससे नेक्स्ट हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। धूप लगाने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि इस तरह का कोई सा भी ब्रश ले लें और बॉक्स को और मटकियों को जो है इसके मदद से थोड़ा सा साफ़ कर लें, इस तरह से अंदर बाहर से सब जगह से साफ़ कर लें। अच्छा, इससे ये होगा कि बॉक्सेस में जो लकड़ी का चूरा होगा वो इससे साफ़ हो जाएगा और मटकियों में जो मट्टी होगी वो मट्टी इससे साफ़ हो जाएगी। तो पहले हल्का साफ इस तरह कोई सा भी कपड़ा ले लें या ब्रश ले लें, उसके में से थोड़ा सा रब करके इसको झाड़ लें। तो इस तरह से मैं सारी मटकियों को भी कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, ब्रश मैंने मार लिया है। अब उसके बाद दूसरा काम हमने ये करना है कि इस तरह का स्प्रे ले लें। ये मैंने विरकोनेस का स्प्रे बनाया हुआ है, बर्ड्स के लिए बेस्ट एंटीबैक्टीरियल स्प्रे है, तो मैं आप लोगों को स्प्रे करके दिखाता हूँ। ये आप लोग स्प्रे मार लें ताकि एहतियातन जो भी हल्के फुल्के जरासीम हो उससे मर जाए। हमने धूप लगा ली है और उसके बाद ये भी कर लिया ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए और बर्ड भी इससे सेफ हो जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। हल्का हल्का सा अंदर बाहर, ये हमारा बॉक्स हो गया है। अब एक मैं मटकी भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरह से हमने सारी मटकियाँ और बॉक्सेस कर लेना स्प्रे। ओके दोस्तों, तो सबको स्प्रे कर लिया है। अब इसके बाद बारी आती है मोर्टीन कुपेक्स पाउडर की। आपने कुपेक्स पाउडर डालना है और मोर्टीन का ही डालना है क्योंकि ये सबसे बेस्ट होता है और इससे बर्ड्स को किसी भी तरह का मसला नहीं होता। बर्ड खा ले तो उससे भी मसला नहीं होता, सिर्फ कीड़ों के लिए होता है क्योंकि लवबर्ड्स नेस्टिंग करते हैं तो नेस्टिंग के नीचे जो है वो कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो हम कीड़ों के लिए ये पाउडर डालते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को डाल के दिखा देता हूँ किस तरह से और कितना कितना डालना है। सिर्फ अंदर ही डालना है इसको। ये हमने कोने कोनों पर डाल देना है। ये देखें, आपको दिख रहा होगा बस इतना डालना है। एक मैं आप लोगों को मटकी में भी डाल के दिखा देता हूँ। सही है, तो इस तरह से हम सारी मटकियों में पाउडर डाल लेंगे, उसके बाद नेस्टिंग करते हैं। और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बर्ड को इससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। कुछ न्यू फेंचर्स हैं वो घबरा जाएंगे कि यार ये डालने से बर्ड को ना हो जाए कुछ, लेकिन बर्ड को नहीं होता, ये सिर्फ कीड़े मारने के लिए होता है। मैंने आपको बता दिया नेस्टिंग के नीचे कीड़े हो जाते हैं, इस वजह से हम इसको डाल रहे हैं। अच्छा, और मैंने जो स्प्रे किया था तो ये मटकियाँ जो होती हैं ये तो मिट्टी की होती है तो इसको तो पानी से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बॉक्स पे आप स्प्रे अगर करें तो अच्छी बात है, लेकिन करने से पहले आप ये देख लें कि वो जो है प्लाई का बॉक्स ना हो, कीकर का बॉक्स हो। ये कीकर का बॉक्स है, इसको जो है पानी से कुछ नहीं होता, कीकर की लकड़ी में बना हुआ है, बहुत हार्ड होती है ये,
तो ये बर्ड खा भी नहीं सकता और इसको पानी से भी कुछ नहीं होता। लेकिन जो नॉर्मल प्लाई के बॉक्स आते हैं उसको आप स्प्रे करेंगे तो वो प्लाई जो है आपको पता है पानी से ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब नेस्टिंग मटेरियल की बात आती है तो ये बेस्ट नेस्टिंग मटेरियल है लव बर्ड्स के लिए, इसको मुंज बोलते हैं पंजाबी में, और ये है भी पंजाब का ही मटेरियल। यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन नहीं होती, पंजाब में इसकी प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे ये मिलता भी नहीं है, वहाँ से मंगवाना पड़ता है। लेकिन अब जो है कुछ लोग इसको ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं और कुछ कुछ शॉप्स भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाए। मैं आप लोगों को नंबर डिस्क्रिप्शन पे चला दूंगा और यहाँ पे भी चला दूंगा, स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा, केज लाइफ केयर के नाम से है, उनसे मैंने मंगवाए। ये नेस्टिंग मटेरियल है उनके पास, और उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी सीरीज़ भी हैं बर्ड्स के, मल्टीविटामिंस भी हैं, तो आप जो चीज़ आप चाहें मंगवा सकते हैं। कराची में भी आप लोगों को सप्लाई हो जाएगा और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में वो आपको सप्लाई कर देंगे, लेकिन उनकी लोकेशन जो है वो कराची में है। अच्छा, सबसे पहले हमने नेस्टिंग मटेरियल में ये नीम के पत्ते यूज़ करने हैं, क्योंकि नीम के पत्ता आपको पता है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और एंटी बैक्टीरियल सोर्स भी है ये भी। तो हमने सबसे पहले इसको धूप लगा ली, फिर इसमें शावर कर लिया, फिर हमने इसमें कोपेक्स पाउडर डाल दिया, अब हम नीम के पत्ते भी डाल देंगे ताकि कम से कम चांस हो कीड़े आने का और हमारे बर्ड्स भी महफूज रह सकें और उनके बच्चे और उनके अंडे भी महफूज रह सकें। इंशाल्लाह फिर किसी भी तरह का कीड़ा नहीं आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। और बर्ड इसको नेस्टिंग करते हुए इसको चबाएगा भी, तो इससे बर्ड को भी कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। तो हमने इस तरह से 4 से 5 डंडियाँ हर बॉक्स में, हर मटकी में इस तरह से सबसे पहले इसकी बेडिंग कर देनी है। ये देखें मैंने कर दिया, इस तरह से 4 से 5 डंडियाँ हमने सारे बॉक्स और मटकियों में डाल देंगे। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि ये मूंज है तो ये काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़े साइज़ में है, तो इसको हम बीच में से हाफ़ कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, ये मैंने कट कर लिया बीच में से, ये देखें आप, ये बिल्कुल अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ हो गया, लेकिन ये थोड़ी सी जुड़ी हुई होती है तो इसको हम इस तरह से खींच खींच के खोल लें ताकि इसका थोड़ा सा रेशा जो है वो खुल जाए और बर्ड को जो है नेस्टिंग करने में आसानी हो। फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह बर्ड कितना अच्छा नेस्ट बनाता है। तो इस तरह से हम सारी खोल लें और इस तरह से अगर चाहें तो झाड़ भी सकते हैं तो भी थोड़ी सी खुल जाती है, इसको गोल गोल घुमा लें। तो बर्ड्स की नेस्ट की शक्ल दे दें बिल्कुल इसको, एक हमने बड़ा सा राउंड बना लिया और ये देखें बीच में इस तरह से मोटे मोटे जो आ रहे हैं वो आप हटा दें। इसको अब हम अंदर सेट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक और बना लेते हैं, ये थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया है तो बीच में थोड़ा सा गैप था, अब हम थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, फिर तो इसको बीच में हम रख देंगे ताकि बीच का एरिया जो है वो भी कवर हो जाए। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा छोटा बना लिया, अब ये हम बिल्कुल बीच में फिक्स कर देंगे। ज़बरदस्ती नेस्ट तैयार हो गई है माशाल्लाह से, अल्लाह खैर करे बाकी। ये देखें मैंने नेस्ट इसमें बिछा दिया, अब इतना आप नेस्ट अपने हाथ से कर लें ताकि बर्ड को जो है वो नेस्टिंग करने में आसानी हो और आपका बर्ड जल्दी रेडी हो जाए। इसके अलावा थोड़ा सा नेस्ट जो है आप केज में भी डाल दें ताकि बर्ड को एक्टिविटी भी मिल जाए और जो बर्ड चाहे अपने हिसाब से और सेट कर ले। अच्छा, ये देखिए चारों तरफ से जो नेस्ट मैंने बनाया है वो थोड़ा सा उठा हुआ है और बीच में से हमने इस तरह से थोड़ा सा गहरा करा हुआ है,
ये थोड़े से डीप है ताकि यहाँ पे बर्ड आराम से आके अपने एग्स दे सके। तो इस तरह से आपने बनाना है। अच्छा, बॉक्स तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है, एक मैं आप लोगों को मटकी भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सारी चीज़ें करी हैं उस तरह सब करके बिल्कुल सेम इसी में ही होगा। तो ये देखिए मैंने इसमें भी नेस्टिंग कर दिया है। सबसे पहले हमने नीम के पत्तों की बेडिंग कर दी थी, उसके बाद मैंने मूंज बिछा दी। तो देखें पूरी इसमें सही से मैंने डाल दी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच में हल्का सा अपने डीप रखना है, हल्का सा खड्डा कर देना है ताकि बर्ड वहाँ पे जाके अपने आप को सेफ महसूस करे और वहीं जाके अपने एग्स दे। अच्छा, ये मैंने मून जो आपको दिखाया ये बेस्ट नेस्टिंग मटेरियल है लवबर्ड्स के लिए, बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए यही रिकमेंड करते हैं सब लोग जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं। ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया इस तरह की इसकी शक्ल होती है। अच्छा, इसके अलावा जो नॉर्मली कराची में यूज़ होता है वो गधा घास यूज़ होती है, जिसको हम गधा घास बोलते हैं। वो नॉर्मली जैसे गार्डन में और हमारे पार्कों में जो घास लगी हुई होती है, नॉर्मल जो घास होती है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े साइज़ में हो और साफ़ हो बिल्कुल मट्टी और उसमें कीड़े वीड़े ना लगे हो, तो वो भी घास यूज़ कर सकते हैं। वो आपको गधा घास के नाम से किसी भी घास वाले के शॉप से मिल जाएगी, जहाँ पे गाय बकरों का खाना वाना मिलता है वहाँ पे आप चेक करें, किसी भी एरिया में मिल जाती है ये, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी वही यूज़ करता था लेकिन मैं अब ये यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट भी है और बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड भी करते हैं, तो इसके फ़ायदे भी मैंने देखे थे और ख़ुद भी प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ मैं। तो इंशाल्लाह आपसे यही यूज़ करेंगे। अगर ये आप लोगों को अवेलेबल ना हो क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है, उसका भी जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोग लूसन भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ लूसन यूज़ करना मैं उसके हक़ में नहीं हूँ क्योंकि उससे जो नेस्टिंग है वो इतनी मज़े की नहीं होती, क्योंकि बर्ड उसको जब चबा चबा के बिल्कुल चूरा कर देता है तो बर्ड के पाँव में भी फंसने का डर होता है और बर्ड के जो बच्चे निकलते हैं उसमें भी फंस जाता है। तो सिर्फ आप लूसन यूज़ नहीं करें, एक्स्ट्रा के तौर पर आप लूसन डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो ये मूंज है या फिर आप वो जो नॉर्मल घास होती है वो आप नॉर्मल घास यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लवबर्ड जो है वो नेस्टिंग वाली वैरायटी है, इसके तमाम कलर्स तमाम वैरायटीज़ को नेस्टिंग करना बहुत पसंद है और इस वैरायटी को नेस्टिंग कराना बहुत लाजमी भी है। आप बगैर नेस्टिंग के अगर इसको ब्रीड पे लगा देंगे तो ये अच्छी ब्रीड नहीं करेगा। मैंने ख़ुद अपने सामने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा लोगों को करते हुए, बोलते हैं जाने दो कुछ नहीं होता बर्ड ब्रीड कर लेगा, लेकिन नहीं करते, फिर अब वो उनको समझ आएगा, अब वो नेस्टिंग कराते। तो अगर आपका बर्ड बगैर नेस्टिंग के अंडे भी दे देगा ना तो ये मसला होता है कि क्योंकि उसके नीचे नेस्टिंग नहीं होती तो सारे अंडे हिल हिल के ख़राब हो जाते हैं, और 4 से 5 अंडों की अगर एवरेज आती है तो उसमें से 1 या 2 अंडे सिर्फ हैच होता है, बाकी सब ख़राब हो जाते हैं, और बर्ड ब्रीड पे भी बहुत देर से आता है। तो अगर आप अच्छी नेस्टिंग करेंगे और अच्छा नेस्टिंग मटेरियल देंगे, जैसे मैंने आपको 2-3 मटेरियल्स बताए, इसमें से जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप बर्ड को अवेलेबल करके दें, बर्ड उससे जल्दी मोटिवेट भी होता है, बर्ड खुश भी होता है और ब्रीड भी अच्छी करता है। बाकी आप थोड़ा सा इसको केज में भी रखें ताकि बर्ड की एक्टिविटी हो और बर्ड अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा डिज़ाइन भी करे और बर्ड नेस्टिंग मटेरियल देख के मोटिवेट भी हो, तो ये भी बहुत अहम किरदार अदा करता है नेस्टिंग बर्ड को ब्रीड पे लाने के लिए अच्छा नेस्टिंग मटेरियल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।